अगर व्यक्ति सच में जो सर ने बोला ना मोटा मोटा दिमाग वाले आदमी का काम है, ये बात सही है या नहीं है? आप यकीन मानो, मैं मुझे सर की कोर ट्रेनिंग मिली जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आया जसवीर सर की, वहां पर ऐसे सपने मजबूत सर ने बना दिए कि पूछो मत। और उसके तुरंत कुछ समय बाद ही माधव सर की दिशा ट्रेनिंग लेने का मौका मिल गया। तो मतलब ऐसा मान लो कि उसी चीज ने मेरे को ये मोहर लगा दी कि भाई इस बिजनेस में डायमंड तो बनना ही बनना है। क्या करना है? और आप यकीन मानना, मैं जब भी या अक्सर करके मोस्टली प्रोग्राम्स में मैं रहता हूँ या मैं माधव सर की कोई भी मीटिंग या सेमिनार या कुछ भी प्रोग्राम कोई अटेंड करता हूँ, ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, तो मेरी आंखें एकदम साफ हो जाती हैं। आंखें साफ होने का मतलब समझ में आ रहा है? आंखें साफ होने का मतलब समझ में आ रहा है? बहुत दूर तक देखना शुरू हो जाता है। हेलो, यस। इतना दूर तक देखना शुरू हो जाता है कि वो शायद पहले नहीं दिख रहा होता। जो सामने धुंध है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत एक तो इमोशनल बनता हूँ इस बिजनेस से, मैं इमोशनली अटैच हूँ। कैसा अटैच हूँ मैं इस बिजनेस से? सर ने एक चीज बोली कि यहाँ से करने पे मुझे ये प्रॉब्लम्स, जिसके साथ प्रॉब्लम आती है ना, सच बात है, ये इतना मजबूत पॉइंट बताया सर ने, जिसको प्रॉब्लम्स आती है ना, समझ लो वो यहाँ से कर रहा है पक्का 100%। और जो यहाँ से कर रहा है ना, उसको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं अपने पिछले 7-8 साल के कैरियर में इस बिजनेस में मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि तू साला इसके अलावा कुछ करेगा। हेलो, कोई आए कोई जाए, कोई छोड़ा, किसी ने कुछ किया नहीं किया, टीम बैठी उठी, कोई कब भी फर्क नहीं पड़ा, अपना बैग पैक रहा और बस बाहर रहा। लेकिन जब भी इस तरीके की मीटिंग्स अटेंड करता हूं तो ऐसा लगता है कि यार तू शायद हम बहुत कम काम कर रहा है। हेलो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपने पोटेंशियल का 10% भी अभी तक यूज नहीं किया है। लेकिन जब ऐसी मीटिंग्स में नहीं होते तो ऐसा लग रहा होता है बहुत कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? अरे इतना तो कर रहा हूं यार, मरा जा रहा हूं, और क्या करूं। हेलो, लेकिन यहां के पता चलता साले तू कुछ कर ही नहीं रहा। हेलो, ये कुएं और समुद्र वाली बात है, वहां कुएं में टर 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 घुस। हेलो, जब समुद्र में जाकर के देखते हैं ना कि तू अभी क्या है भाई, तेरे को कितना कुछ करना है, तो एक चीज समझ में आ गई है। सर, मुझे विजय पाल जी की एक बात याद आ रही थी, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने एक बार एक सेमिनार में बोला था कि ये बिजनेस ऐसा है कि जैसे 5-6 महीने एक व्यक्ति भट्टा लगाता है, भट्टा क्या लगाता है, ईंटों का भट्टा लगाता है, और उसके बाद ईंटें निकलना शुरू होती है, और जब ईंटें निकलना शुरू होती है ना, तो ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के ईंटें सप्लाई होना शुरू हो जाती है और इनकम आना शुरू हो जाती है। सर, ये जो पिछले 5-6 साल लगे, ये तो भट्टा लगाने में और उसे सजाने में लगा था, आग तो अंदर धड़क ही रही थी और ईंटें अभी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, अभी यहाँ पर सैंपल के रूप में कुछ आएगी थे। और इस साल 12 डायमंड जो आपने बोले गुरु जी, कोशिश करेंगे इससे ज्यादा करके दिखाएंगे, इससे एक कम नहीं होगा, 12 डायमंड से ज्यादा का कमिटमेंट देते हैं, 12 डायमंड से ज्यादा। एक ही चीज है जो सर ने बोला है कि अगर हम अपने आप में विश्वास करें, अपने ऊपर यकीन करें और खुद को काम में निकालें, तो हम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन के दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं या नहीं? यस और नो? यस। आप सारे के सारे लोग नंबर 1 हो, बस अपने ऊपर यकीन करो। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अपने ऊपर। अपने ऊपर यकीन करो गुरु जी। मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे, आने वाले समय में 2021 में आपने जो आपका जो डायमंड्स का जो कमिटमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा पार्ट मेरी टीम से होगा, मेरी टीम से सबसे ज्यादा डायमंड आपके टीम में होंगे। थैंक यू। बस एक ही चीज करनी है अभी, जो अपना सर का जो आ रहा है डायमंडशिप का प्रोग्राम, आप यकीन मानना इतनी खुशी मुझे अपनी डायमंडशिप की डेट की नहीं थी जितनी मुझे खान साहब की डेट की पता चला। क्योंकि मतलब अपने टीम से एक डायमंड निकलना, ये उस बच्चे को जन्म देने जैसा होता है, बात सही है या नहीं है? तो आप यकीन, ये खुशी आपको भी होगी जब आपकी टीम से कोई निकलेगा। तो मैं केवल एक ही चीज कह रहा हूँ कि खान साहब के प्रोग्राम में सारा यहाँ स्टेज तक पे बिठाने पड़ जाए सर लोगों को, लोग ऐसा हम करके दिखाएंगे। दिखाएंगे या नहीं? यस और नो? बाहुबलियों की भी संख्या सबसे ज्यादा होगी और इस हॉल की सबसे बड़ी गैदरिंग का रिकॉर्ड भी आप लोग बनाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड। थैंक यू।